नमस्कार। आज हम बात करेंगे रामायण के बारे में और प्रभु राम के बारे में कि वो कौन सी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं रामायण से, जो हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन जो हम रामायण से सीखते हैं वो है जीरो से स्टार्ट करने की हिम्मत रखना। जब प्रभु राम वनवास गए तो उन्होंने वहाँ जीरो से स्टार्ट किया। वो बिल्कुल भी घबराए नहीं कि वो एक राजकुमार थे, वो कैसे अपना जीवन जिएंगे, किस तरह से वो अपनी पत्नी का ख्याल रखेंगे, उनके भाई का ख्याल रखेंगे जो उनके साथ आ गए थे। उन्होंने वापस से जीरो से स्टार्ट किया और ये हमें हिम्मत देता है कि जब भी हमें जीवन में ये लगे कि हम सब कुछ खो चुके हैं, हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं जीरो से। मंकी वर्सेस मॉन्क माइंड। हमारे अंदर दो दिमाग होते हैं। एक मंकी माइंड होता है जो हर वक्त इधर से उधर भागता रहता है। मंकी माइंड वो है जो हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करता है। दिमाग हमेशा भटकता रहता है, किसी एक चीज पर नहीं टिकता। और मॉन्क माइंड वो है जो स्थिर रहता है, परेशानी में स्थिर रहता है। हमें जरूरत है ये समझने की कि मंकी माइंड को कंट्रोल करके हमें अपने मॉन्क माइंड का फैक्टर ज्यादा बढ़ाना है, तभी हमारी लाइफ बहुत ईजी होगी। अगला लेसन हमें ये मिलता है कि रिश्ते रुपए से बड़े होते हैं। प्रभु राम ने अपने रिश्तों को ऊपर रखा, अपने पिता की बात को माना और सारा राजपाट छोड़ दिया। वो हमें ये सिखाते हैं कि हमारे रिश्ते उस रुपए पैसे से बड़े हैं जिसके पीछे हम रिश्ते खत्म कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं और अकेले रह जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिश्तों को ख़त्म कर सकती हैं तो, और वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उन्हें ज़रूर इग्नोर करें और अपने रिश्तों को प्राथमिकता दें। रामायण से हम सीखते हैं दूसरों की इज्जत, भले ही वो किसी भी उम्र के हों। अपने छोटों से भी प्यार से बात करना और अपने बड़ों से भी इज्जत से बात करना। रामायण हमें सिखाती है कि जब हम अपनी पावर को भूल जाते हैं, जब हम खो जाते हैं, तो हमारे आसपास जरूर ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें वापस याद दिला सके अपनी ही पावर्स को। जामवंत जी ने प्रभु हनुमान को उनकी पावर याद दिलाई, इससे उनमें ताकत भर गई और वो लंका पहुंच गए। कि अच्छे लोगों के साथ रहना कितना जरूरी है। केकई जी प्रभु राम को बहुत प्यार करती थी। श्री राम ने कहा भी है कि केकई माँ तो मुझे भरत से भी ज्यादा प्यार करती हैं। और उनकी बात रखने के लिए वो वन में चले गए, पर मंथरा ने केकई जी को कुछ ऐसी चीजें बोली जिससे उनका दिमाग बिल्कुल पलट गया। जब प्रभु राम का राज्याभिषेक की बात हुई तो मंथरा ने जब आकर केकई जी को ये बात बताई तो केकई जी ने बहुत खुशी प्रकट की। उन्होंने मंथरा से कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद मंथरा ने अब कुछ ऐसी चीजें कही जिसकी वजह से केकई जी का दिमाग पलट गया और उन्होंने वनवास मांग लिया प्रभु राम के लिए। रामायण हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमें और हमें ये हिम्मत देती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। भले ही बुराई अपने कितने भी पैर फैलाए, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन अपने आचरण की वजह से, अपनी कुछ ऐसी आदतों की वजह से वो प्रभु राम के हाथों मारा गया, क्योंकि उसने अपनी बुराई पर विजय नहीं पाई, उसने प्रभु राम पर विजय पाने की सोची, जो कि असंभव था, क्योंकि अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। तो इसी विश्वास के साथ हम इस ग्रंथ को ज़रूर पढ़ें। लैंग्वेज में भी अब बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल है, आप इसे ज़रूर पढ़ें और ये आपको एक हिम्मत ज़रूर देगी। साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते किसी नई किताब के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।